Hello, my dear friends and students. I welcome you again on my YouTube channel. Today we are going to discuss about the important MCQ from the data visualization. काफी interesting topic है. How to visualize your raw data. इस chapter के अंदर आपने ये topic काफी सारे plots को draw किया था. आज आपके paper के point of view से कुछ important MCQs हैं. टर्म वन के लिए आज हम उनको डिस्कस करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज डेटा विजुलाइजेशन. मींस डेटा विजुलाइजेशन का मीनिंग क्या है? डेटा विजुलाइजेशन मींस आपके पास में डेटा है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में है, आपको उसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना है. दिस इज द मीनिंग ऑफ डेटा विजुलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. Graphical representation of the data is the meaning of data visualization. आपने काफी सारे graphs बनाए होंगे इसमें, जिसमें bar chart आ गया, line chart आ गया. हम क्या कर रहे हैं? हमारे data को graphics के अंदर, plotting के अंदर convert कर रहे हैं, right? इसी चीज को हम बोलते हैं data visualization. So C is the correct answer for the first one. Now let's move to the next. Next one is the which Python package is used for 2D graphics. देखिए हम पाइथन के अंदर यदि आपको ग्राफिक्स को डिजाइन करना है, चार्ट्स को यदि आपको प्लॉट करना है, उसके लिए हमें जो प्री डिफाइंड पैकेज मिलता है पाइथन के अंदर, वो है आपका मैटप्लॉटलिब. ओके, एंड मैटप्लॉटलिब बेसिकली है क्या चीज? मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है और इसके अंदर पाइप्लॉट नेम से एक इंटरफेस है. सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा यहाँ पर, matplotlib.pyplot. ओके, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि matplotlib है क्या चीज? दिस इज द लाइब्रेरी. ओके, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास में pyplot नेम से क्या है? एक इंटरफेस है. ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड. The command to install the matplotlib. अब यदि आप कंसोल को यूज में ले रहे हो, मीन्स आपने आईडीएलई के ऊपर यदि आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करना है आईडीएलई के ऊपर, तो उस टाइम आपको matplotlib को पहले इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम के अंदर. यदि आप एनाकोंडा यूज में ले रहे हो, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑलरेडी ये इंक्लूडेड रहता है, बट आइडियली में आपको इसको पहले इंस्टॉल करना होगा. और कोई भी अलग से पैकेज यदि आपको लाइब्रेरी आपको यदि सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी है, उसके लिए हम पीआईपी इंस्टॉल यूज में लेते हैं, राइट? पीआईपी इंस्टॉल हम यूज में लेंगे अपनी लाइब्रेरी के नेम के साथ में. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका, देखिए इंस्टॉल पीआईपी मैटप्लॉटलिब नहीं हो सकता. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, PIP install then library name. ये सभी के लिए applicable है. Okay, कोई भी आपको library install करनी है अपने system के अंदर, तो PIP keyword आ गया, then install keyword आ गया, उसके बाद में आपका matplotlib यानी कि यहाँ पर library का name आ जाएगा. Okay, so D is the correct answer. Now next one, matplotlib allow you to create. हम matplotlib से क्या create करते हैं? Tables? नहीं. चार्ट? यस, चार्ट हम क्रिएट करते हैं, मैप क्रिएट नहीं करते हैं. इंफोग्राफिक्स में तो काफी सारी चीजें आ जाएंगी. सो चार्ट इज द करेक्ट आंसर. मैटप्लॉटलिब हमें क्या करता है? चार्ट्स को क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. जैसे आपने बार चार्ट क्रिएट किया, लाइन चार्ट क्रिएट कर लिया, पाई चार्ट भी होता है, आपने हिस्टोग्राम क्रिएट किया था. ओके, सो ये काफी सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में लाइब्रेरी पाइथन के अंदर अवेलेबल है. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Next one, which of the following is not a visualization under the matplotlib? Matplotlib के अंदर हम क्या क्या देखिए, scatter plot हम बनाते हैं, histogram भी हम बनाते हैं, box plot भी बनता है, table plot कुछ भी नहीं है. So यहाँ पर which of the following is not, कौन सा नहीं है? So आपका जो answer होगा वो होगा D. Okay? So, table plot हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है. So, D is the correct answer. Next one. Next is the which graph should be used where each column represent a range of value.
हर एक कॉलम, सबसे पहली चीज कॉलम्स होंगे इसके अंदर, राइट? ओके, एंड हाइट ऑफ द कॉलम्स क्रोस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी वैल्यूज द रेंज। सो देखिए कॉलम्स होंगे बट रेंज की भी बात हो रही है, तो देखिए बार चार्ट की यदि हम बात करें उसमें काफी आपके पास में बीम्स होते हैं, ओके, इस तरह का होता है, बट यहां पर हाइट, यहां पर रेंज वैल्यू की बात हो रही है, रेंज ऑफ वैल्यूज की बात हो रही है। रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हम हिस्टोग्राम यूज में लेते हैं हमेशा, ओके। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लॉट। प्लॉट का कंपोनेंट नहीं है, लेजेंड होता है। देखिए लेजेंड में क्या होता है, जैसे आपने डिफरेंट लाइंस के अंदर, सपोज दैट ये आपने रेड में बना दिया और कलर चेंज करके आपने कोई दूसरी लाइन और क्रिएट कर लिए, ओके, लाइक मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ओके, सपोज दैट ये आपके पास में रेड है और ये आप ये ग्रीन मान के चलिए, ठीक है। सो लेजेंड क्या करेगा, ये यहाँ पर आपके पास में समझे दिखाएगा कि आपने ये वाले लाइन किस पर्पज के लिए यूज में लिया, ये वाले लाइन किस पर्पज के लिए यूज में लिया। तो लेजेंड तो कंपोनेंट होता है, एक्स एक्सिस होता है, टाइटल भी आता है, आपने देखा होगा टाइटल आपने यूज में लिया है, ओके, बट इंडेक्सेस इंडेक्स नहीं है, ये किसका पार्ट नहीं है, प्लॉट का पार्ट नहीं है। सो इसका जो आंसर होगा डी, इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी एम्प्लॉयड इन द प्लॉट टू डिस्प्ले ए प्लॉट। देखिए आपने प्लॉट क्रिएट किया, चाहे कोई भी प्लॉट आपने क्रिएट किया हुआ है, ओके, अब आपको उसको देखना है, ओके, उसको अपने आउटपुट के अंदर शो करवाना है, इसके लिए आपके पास में जो मेथड है वो है शो, शो मेथड, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ प्लॉट मॉड्यूल यूज टू सेव द फिगर इफ यू वांट टू सेव। देखिए आपने कोडिंग के थ्रू कोई भी एक चार्ट बना लिया, ओके, अब ये चार्ट आपको किसी प्रेजेंटेशन में कहीं बाहर यूज में लेना है, तो पाइथन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इस चार्ट को सेव कर सकते हो, और इसको सेव करने के लिए आपको इसका जो सी ऑप्शन है, सेव एफआईजी, सेव फिगर, ये आपका जो कमांड है ये हम यूज में लेते हैं पाइप्लॉट के अंदर, ओके। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ओके। इसको यूज में लेने का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, उसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेव फिगर फंक्शन। देखिए सेव फिगर आपका जो चार्ट बना है उसको अपने सिस्टम के अंदर सेव करने के लिए हम इसको यूज में लेंगे। अब जो इमेजेस ये सपोर्ट करता है, आप चाहो तो उसको जेपीजी के अंदर सेव कर सकते हो, ओके, जेपीजी के अंदर सेव कर सकते हो, उसको पीएनजी में सेव कर सकते हैं, उसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको किस में सेव करना है, और भी काफी सारी एक्सटेंशंस को ये प्रोवाइड करता है, हमें सपोर्ट करता है, राइट? सो प्लॉट, ये यहां पर ये एब्रीवेशन ले रखा है, डॉट सेव फिगर बार वन डॉट पीडीएफ, डॉट पीडीएफ में सेव हो सकता है। यहां पर हमने क्या, ये जो चार्ट आपका सेव होगा यही उसका नेम है, तो सेव फिगर के अंदर आपको उसका नेम स्पेसिफाई करना होगा, किस नेम से आपको उसको सेव करना है, और आप यहां पर चाहो तो लोकेशन भी डाल सकते हो, ओके। Then plot dot save figure and bar dot png आ गया, dot eps भी आ जाएगा printing format के लिए, but dot ppt powerpoint presentation नहीं आता है, so D is the incorrect answer for this one, okay? Which of the following is an incorrect? Incorrect पूछा था, तो बाकी तीनों correct हैं, और D आपका option यहाँ पर incorrect रहेगा, okay? Next one, which of the following is a valid argument of plot function? Plot function के अंदर valid argument कौन सा होगा? Okay, so देखिए line कोई argument ही नहीं है, his bar ये कोई argument ही नहीं है, okay? So color is the correct answer for this one, right? Color क्या करेगा? आपका color specify करेगा। आपने यदि आपने bar plot chart क्या करता? Plot क्या करेगा? आपका लाइन चार्ट को ड्रॉ करता है, प्लॉट फंक्शन के थ्रू हम लाइन चार्ट को ड्रॉ करते हैं, ओके। सो लाइन चार्ट के अंदर आपको कलर स्पेसिफाई करना है, लाइंस का कलर यदि आपको स्पेसिफाई करना है उसके लिए हम यूज में लेते हैं कलर आर्गुमेंट, ओके। नेक्स्ट वन,
Function is used to set x level of the plot. देखिए ये चार्ट है, ये इसकी x एक्सिस हो गई, यहाँ पर आपने x टिक्स डाल रखे हैं, मैंने x टिक्स बोला है, यहाँ पर वैल्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यदि आपको x लेवल स्पेसिफाई करना है, ओके x लेवल की बात कर रहा है, तो आपके पास में यहाँ पर है सी ऑप्शन, x लेवल हम यूज में लेते हैं। अब यदि टिक्स की वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी है, तब हमारे पास में x टिक्स है, ओके सो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। यदि आपसे यहाँ पर पूछा होता y लेवल, तो x जैसे x लेवल है ये x एक्सिस के लिए स्पेसिफाई करते हैं, वैसे ही y लेवल y एक्सिस के लिए हम यूज में लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका यदि y लेवल के बारे में पूछा होता तो y लेवल आ जाता। ओके नेक्स्ट वन, which of the following is not a valid plotting function of pie plot? Plot, हम क्या करते हैं इससे लाइन चार्ट को ड्रॉ करते हैं, बार चार्ट ड्रॉ करते हैं, ओके इस तरह से लाइन कुछ भी नहीं होता है। लाइन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में क्या है, प्लॉट नेम से फंक्शन है, पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम फंक्शन यूज में लेते हैं। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉटिंग फंक्शंस डज नॉट प्लॉट मल्टीपल डेटा सीरीज? ऐसा कौन सा चार्ट का टाइप है जो मल्टीपल डेटा सीरीज के साथ को प्लॉट नहीं कर पाता है? तो देखिए प्लॉट लाइन चार्ट को ड्रॉ करेगा, बिल्कुल लाइन चार्ट में हम मल्टीपल लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो मल्टीपल डेटा आ सकता है, बार चार्ट में भी आ सकता है, बार एच हॉरिजॉन्टल के लिए आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी आ सकते हैं। पाई चार्ट जो है ये एक पाई चार्ट इस तरह से होगा जिसमें आपका एक ही डेटा हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ओके ये एक ही डेटा के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे, तो पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें हम मल्टीपल डेटा सीरीज को यूज में नहीं ले सकते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट? देखिए ये यदि हम बात करें बार क्या करता है, आपके जो वर्टिकल चार्ट को क्रिएट करेगा। अब यदि आपको इसको हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना है, इस वे में क्रिएट करना है, ऐसा चार्ट आपको क्रिएट करना है, तो इसके लिए जो फंक्शन है वो है हमारे पास में बार एच। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके बार एच सेम वर्किंग है जो बार की है, बट बार फंक्शन क्या करता है, आपका वर्टिकल ग्राफ को क्रिएट करेगा और बार एच आपका हॉरिजॉन्टल ग्राफ को क्रिएट करेगा। ओके नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई स्टाइल ऑफ लाइन एज डैश, लाइन की हमें स्टाइल को डैश करना है, विच आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लॉट? प्लॉट फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द लाइन चार्ट, राइट? सो लाइन चार्ट के अंदर हम कौन सा, प्लॉट फंक्शन के अंदर हम कौन सा आर्ग्यूमेंट लें जो इस लाइन को डैश स्टाइल के अंदर ड्रॉ करें? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए लाइन की स्टाइल को चेंज करना है हमें, तो लाइन स्टाइल इसका आर्गुमेंट है, याद रखना लाइन स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ आर कॉल्ड डेटा पॉइंट्स। देखिए जैसे ये लाइन चार्ट है, इसमें ये लाइन आ रही है, डेटा पॉइंट्स आपने बना रखे हैं यहाँ पर, इन डेटा पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? तो इन डेटा पॉइंट्स को हम बोलते हैं मार्कर्स, ठीक है मार्कर्स। ओके नेक्स्ट वन, ए ग्राफ ए स्पेस ग्राफ इज ए टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन इन ए सेगमेंट। देखिए जब सीधी सीधी बात आ रही है स्ट्रेट लाइन में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीधा आपका लाइन चार्ट आ जाएगा। लाइन ग्राफ इज ए टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ओके सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर। ओके नेक्स्ट वन, विच आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ प्लॉटेड डेटा? आपको ये हमने स्टार्टिंग में भी बात कर ली थी, विच आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द प्लॉटेड डेटा? आपको कलर के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कलर आर्गुमेंट होता है, उसको हम यूज में लेते हैं। ओके नेक्स्ट, टू क्रिएट स्कैटर चार्ट यूजिंग प्लॉट। देखिए प्लॉट फंक्शन हम यूज में लेते हैं लाइन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, राइट ये पता है आप लोगों को, बट
टू क्रिएट, इससे हम स्केटर चार्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं. विच आर्ग्यूमेंट इज स्किप्ड, एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको हमें स्किप करना होगा और वो आर्ग्यूमेंट कौन सा है, वो आर्ग्यूमेंट है हमारा लाइन स्टाइल. देखिए लाइन स्टाइल के अंदर हमारे पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं. आपको डैश लाइन चाहिए, आपको किस आपकी लाइन की स्टाइल क्या होनी चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन स्टाइल यूज में लेते हैं. बट यदि आपने लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट को स्किप कर दिया तो क्या होगा, ओनली मार्कर्स विल अपीयर. इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये मार्कर्स आ रहे हैं, ओके, तो अब आपने लाइन स्टाइल स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, ओनली मार्कर विल अपीयर. तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्केटर चार्ट बन जाएगा. सो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है पेपर में आ जाए कि आपको स्केटर चार्ट क्रिएट, स्केटर चार्ट को क्रिएट करना है विद यूजिंग प्लॉट फंक्शन. तो कैसे करेंगे, तो आपको लाइन स्टाइल स्पेसिफाई नहीं करनी है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा. ओके नेक्स्ट काम, विच आर्ग्यूमेंट ऑफ बार, बार चार्ट के बारे में बात हो रही है. लेट्स यू सेट द थिकनेस ऑफ द बार, आपको बार की थिकनेस को सेट करना है. देखिए बार की थिकनेस को सेट करना मीन्स जैसे ये बार है और इसकी थिकनेस को सेट करना है, ठीक है. तो इसकी थिकनेस को सेट करने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, इसका जो आर्ग्यूमेंट है विड्थ, कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है. तो सी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा. ओके नेक्स्ट वन, विच आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ ए लाइन, लाइन की विड्थ को आपको सेट करना है. तो जैसे उसमें पीछे था, ओनली पीछे वाले में देखें हम विड्थ बार के लिए था और यहां पर हम बात कर रहे हैं लाइन की विड्थ के लिए. टू चेंज द विड्थ ऑफ ए लाइन, तो यहां पर आ जाएगा आपका लाइन विड्थ, लाइन विड्थ आर्ग्यूमेंट वी यूज. ओके नेक्स्ट वन, विच फंक्शन लेट्स यू सेट द टाइटल ऑफ द प्लॉट, तो इसका आंसर तो यही आ गया. आपको यदि प्लॉट का टाइटल सेट करना है तो हम क्या करते हैं, प्लॉट डॉट एब्रीवेशन डॉट टाइटल, देन डबल कोट्स में हम टाइटल स्पेसिफाई कर देते हैं. ओके सो यहां पर आपका टाइटल आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ए हियर, ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. राइट, प्लॉट टाइटल कुछ भी नहीं होता, ग्राफ टाइटल भी नहीं होगा, वो लोग तो इसमें नहीं होगा. राइट नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कोट टू एडिंग, सेम चीज है. अभी जैसे मैंने पीछे यहाँ पर लिया था एग्जाम्पल प्लॉट डॉट टाइटल, देन डबल कोट्स के अंदर हमने डेटा को स्पेसिफाई कर दिया जो टाइटल हमें चाहिए. सो प्लॉट डॉट टाइटल टी कैपिटल नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया. ओके प्लॉट डॉट हेड कुछ भी नहीं होता है, प्लॉट डॉट टाइटल क्लास 12th आईपी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. पाइथन केस सेंसिटिव है सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ओके नेक्स्ट वन, विच फंक्शन वुड यू यूज टू सेट द लिमिट ऑफ लिमिट फॉर एक्स एक्सिस ऑफ द प्लॉट. देखिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की यदि लिमिट को सेट करना है तो आपके पास में एक्स लिमिट और वाई लिमिट, ये दो चीजें होती हैं. ओके सो इन दो फंक्शंस को हम यूज में लेते हैं एक्स लिमिट और वाई लिमिट के लिए. तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर, एक्स एक्सिस के बारे में बात की गई तो एक्स एल आई एम, एक्स लिमिट्स कुछ नहीं है, एक्स लिमिट्स कुछ नहीं है, एक्स एल आई एम इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट वन इज, विच फंक्शन इज यूज टू शो द लेजेंड्स, लेजेंड्स को शो करने के लिए क्या करते हैं. तो लेजेंड्स को शो करवाने के लिए हमें लीजेंड नेम से ही फंक्शन को यूज में लेना होता है. लीजेंड्स का मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था लीजेंड्स होते क्या हैं. ओके सो लीजेंड्स को यदि आपको इंक्लूड करना अपने ग्राफ के अंदर तो आपको लीजेंड फंक्शन को यूज में लेना होगा. ओके नेक्स्ट वन इज, विच आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेट विद प्लॉटिंग फंक्शन फॉर लीजेंड टू डिस्प्ले द लीजेंड्स. देखिए आपको यदि लीजेंड्स को डिस्प्ले करवाना है तो यदि आपको लीजेंड फंक्शन को यूज में लेना है और लीजेंड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो आपको प्लॉटिंग करते टाइम एक आर्ग्यूमेंट है जो हमें यूज में लेना होगा. और वो आर्ग्यूमेंट देखिए यहाँ पर आपने डिफरेंट कलर्स की बार्स बना रखी हैं. ओके तो मेरे को कैसे पता लगेगा ये वाले बार किसके लिए और ये किसके लिए, या फिर आपने डिफरेंट कलर की लाइंस बना रखी हैं तो ये कैसे पता लगेगा ये किसके लिए. इसके लिए हम लीजेंड्स को यूज में लेते हैं. लेकिन डिस्प्ले करवाने के लिए क्या, इनका हमें नेम तो पता होना चाहिए ना, इनका नेम क्या है. ओके सो
यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हम यूज में लेंगे वो होगा आपका नेम आर्ग्यूमेंट। नेम हमें स्पेसिफाई करना होगा तभी लीजेंड काम करेगा, अदरवाइज लीजेंड काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट मेक्स इट इजी टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सिस। देखिए, यदि आपको सेम सेट ऑफ एक्सिस के ऊपर कंपेरिजन परफॉर्म करना है तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में होता है वो है हिस्टोग्राम, राइट। नेक्स्ट वन, द चार्ट, द पार्ट ऑफ चार्ट विच आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन प्लॉट बाय यूजिंग डिफरेंट कलर इज कॉल्ड। देखिए, आपको एक बार के लिए वापस से इसको रीड करते हैं। द पार्ट ऑफ चार्ट विच आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट बाय यूजिंग द डिफरेंट कलर्स। देखिए, एक्सेस हम यूज में लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, एक्सेस रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, कंसीडर द स्निप, एक कोड आपको यहां पर दे रखा है, केस स्टडी बेस्ड ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ओके, देखिए, इसमें दो एरे डिफाइन करने हैं आपको। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर दो एरे हमने डिफाइन कर रखे हैं। आप एक लिस्ट ले रखिए कलर्स नेम से, जिसमें R, B, K, G, M ये सभी किसके लिए, कलर के लिए कोडिंग ले रखी है हमने, कलर कोड। देन यहाँ पर साइज स्पेसिफाई कर रखी है 50, 120, ये डेटा, राइट। देन एरे वन और एरे टू हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने यहाँ पर इनको डिफाइन कर रखा है, C इक्वल टू कलर्स, ये हमने कलर के लिए डाल दिया, S साइज के लिए डाल दिया, ठीक है, ये एरे दोनों आ गए यहाँ पर, और मार्कर इक्वल टू एस कर रखा है, मार्कर की वैल्यू क्या है, एस है, ठीक है। सो पूछा क्या गया है इस कोड के लिए, विद रेफरेंस टू द अबाउ कोड व्हाट विल बी द शेप ऑफ मार्कर। हमसे, हमें केवल इससे मतलब है, बाकी कोड में क्या है उससे कोई लेन देन नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि हमसे पूछा है मार्कर की शेप क्या होगी। तो देखिए, ये जो मार्कर है आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास में है एस, एस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, सो स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, ए, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मार्कर के अंदर आप और भी काफी सारी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर एस स्क्वायर के लिए आ गया, यदि आपको पेंटागन चाहिए तो आपने पी कर दिया, यदि आपको सपोज दैट स्टार मार्कर चाहिए तो आप यहाँ पर स्टार साइन स्पेसिफाई कर सकते हो, और यदि आपको हेक्सागन चाहिए तो आप एच या फिर कैपिटल एच स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, इस तरह से हमारे पास में काफी सारे डिफरेंट काइंड के आपके पास में मार्कर्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी वैल्यूज आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे आप ये चाह रहे हो कि ग्रेटर देन लेस देन टाइप का सा सिंबल आए आपके पास में, ट्रायंगल आए, ट्रायंगल शेप में आए आपके पास में, तो ये सारी चीजें मार्कर के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सो फॉर दिस वन स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, अनदर केस स्टडी, विद द रेफरेंस ऑफ द कोड, आपके पास में एरे डिफाइंड है, देन कलर एंड साइज दोनों चीजें हैं, राइट। स्कैटर प्लॉट यूज में लिया हुआ है, कलर्स एंड साइज दोनों एरे ले लिए, मार्कर इक्वल टू एस कर रखा है, देन इसमें पूछा क्या गया है, विद रेफरेंस टू द कोड व्हाट विल बी द कलर ऑफ द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट का कलर क्या होगा, ठीक है। सो अब देखिए, इसमें यदि हम बात करें ग्राफ की, तो जो ग्राफ बनेगा उसमें रेड कलर किसके लिए, 50 के लिए, ब्लू कलर 120, के 220, एम 150, जी 80 के लिए, सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा, जी 80, तो जी किसके लिए आ रहा है यहां पर, ग्रीन के लिए आ रहा है, एम मैग्नेटो के लिए आ रहा है, राइट। सो लास्ट हमसे पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज द प्लॉट विच टेल्स द ट्रेंड बिटवीन टू ग्राफ वेरिएबल इज द ग्राफ ऑफ चार्ट। द प्लॉट विच टेल्स द ट्रेंड बिटवीन टू ग्राफ वेरिएबल्स, आपके पास में दो वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में यदि आपको कंपेरिजन करना है तो सबसे परफेक्ट कौन सा होता है आपके पास में, लाइन चार्ट, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है।
कौन सा किधर मूव कर रहा है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लाइन चार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। That's all for today. Thank you.